शरद पवार की अगुवाई में आप आरजेडी टीएमसी समेत विपक्षी दलों की बड़ी बैठक, बीजेपी ने कसा तंज। बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद की स्थिति में सुधार, आईसीयू से जनरल वार्ड में हुए शिफ्ट। पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल होंगे गुपकार संगठन के नेता फारूक अब्दुल्ला, ने दी जानकारी। कोवैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में 77.8% प्रभावी, डीसीजीआई की एक्सपर्ट कमेटी ने की समीक्षा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा वैक्सीन मिलेगी तो 4 महीने में एमपी में सबको टीका लग जाएगा। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। आष्टा में कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी गोपाल सिंह इंजीनियर ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर कोरोना महामारी और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर काल के गाल में समा गए मृतकों के घर पहुंचकर परिवारों को सांत्वना दी। वहीं मृतकों को श्रद्धांजलि देकर परिवार से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की। इसी कड़ी में उन्होंने श्री इंजीनियर ने नगर का दौरा किया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी सहित अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से मृतकों के प्रति शांति प्रदान करने की भी उन्होंने प्रार्थना की। वहीं नगर के वरिष्ठ युवा नेता और कांग्रेस मंडल अध्यक्ष तौसीफ उद्दीन बाबा के वो घर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके पिता हाजी हाफिज हनीफ उद्दीन के इंतकाल होने पर उनकी स्मृति में अलीपुर शेखपुरा की मस्जिद के पास पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले आष्टा के सिद्धिगंज, खाचरोद सहित आसपास के ग्रामीण वासियों ने रोड निर्माण को लेकर धरना दिया। दर्जनों ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्रीय भाजपा विधायक के खिलाफ भी नारेबाजी की। बता दें कि नगर के पास दर्जनों गांव का मुख्य सड़क मार्ग वर्षों से खस्ता हाल है। लगातार मामले की सूचना आला अधिकारियों को भी दी जा रही थी, पर कोई भी सुनवाई नहीं की गई। वहीं प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया, परंतु उस पर भी आला अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया, तो अब ग्रामीण प्रदर्शन करने को मजबूर है। एक और जहां भाजपा की सरकार अपनी सड़कों को लेकर, मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर बहुत कुछ बताती नजर आती है, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आष्टा विधानसभा क्षेत्र में, जो कि आष्टा विधानसभा क्षेत्र वर्षों से भाजपा की गढ़ मानी जाती है और मानी जाती रही है, आष्टा विधानसभा क्षेत्र की सिद्धिगंज क्षेत्र की अगर सड़क देखें, और जिससे कि कई ग्राम जुड़े हुए हैं, वो ग्राम की अगर आज उस सड़क को अगर देखी जाए, उस ग्राम की सड़क को देखी जाए, तो निश्चित ही स्वयं शिवराज सिंह चौहान को अपने सवालों का जवाब मिलता नजर आएगा। आइए हम चलते हैं आज उसी सड़क को लेकर के, यहाँ पर ग्रामीण जन धरने पर बैठे हुए हैं। आइए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार यहाँ पर धरने पर जो लोग बैठे हुए हैं, उन सभी को यहाँ पर दिखाएं। ये सभी ग्रामीण जन यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जो कि ग्राम सिद्धिगंज खाचरोद की सड़क को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। विगत कई वर्षों से इस सड़क की हालत दयनीय और जर्जर हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से शिवराज सरकार जो कहती आई है अपनी सड़कों को लेकर, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर अपने बयान में कहती आई है, सुंदर, स्वाफ और स्वच्छ सड़कें, आज मध्य प्रदेश में एक आष्टा सीहोर तहसील के आष्टा क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र में सिद्धिगंज क्षेत्र की जो सड़क है उसको लेकर के आज यहाँ पर सभी धरने पर बैठे हुए हैं। विगत 11 दिन से यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं, आज हम इन लोगों से ही जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से आपने
यहाँ पर क्यों यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कारण है, थोड़ा सा आइए हम जानकारी लेते हैं। भाई साहब आपके द्वारा किस विषय को लेकर के और यहाँ पर क्यों धरना दिया जा रहा है, क्या कारण है? आज 13वां दिन है, अभी तक आपके द्वारा कोई आवेदन पूर्व में दिया गया? जी हाँ दिया गया। कितने आवेदन आप दे चुके हैं? हमको लगभग 10 साल से दे रहे हैं। विगत 10 साल से आपके द्वारा शासन को और प्रशासन को आवेदन दिया जा रहा है, मगर आपकी अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं? कोई बात नहीं। जैसा कि पूर्व में जानकारी में आया था कि मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार के जितने भी मंत्री लोग हैं या सांसद लोग हैं, विधायक लोग हैं, यहाँ पर आकर भूमि पूजा करके गए, तो उसके बाद में जब यहाँ पर सरकार नहीं बनी तब आपने उसके लिए कुछ कार्रवाई की? भोपाल में नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि दतिया से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विपक्ष के फैलाए झूठ और भ्रम को दरकिनार करते हुए लोगों ने इस महाअभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और वैक्सीन के डोज लगवाए हैं। वहीं मुसलमानों ने भी उत्साह पूर्वक वैक्सीनेशन कराया है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। वो सारे भ्रम दूर हो गए जो विपक्षी दलों ने, किसी ने कहा था कि वैक्सीन में सुअर की चर्बी मिली है, किसी ने कहा भाजपा की वैक्सीन, किसी ने कहा मोदी जी क्यों नहीं लगा रहे, अब तो मोदी जी ने कहा और देश लगा रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। और इसलिए बहुत बधाई माई के नवरी से प्रारंभ हुए इस अभियान को, माननीय ये लगातार लोगों का भ्रम दूर हुआ है क्योंकि लोगों ने झूठ फैलाया, इसलिए अल्पसंख्यक भाइयों ने भी बढ़ चढ़ के लगवाया। ये चाहते थे कि कोई दीवार बनी रहे, लेकिन अल्पसंख्यक के भाई नहीं चाहते कोई दीवार। ये राजनीतिक लोग हैं, इनके भी ये सारे चश्मे थोड़े दिनों में उतर जाए जो देश को बांटना चाहते। उतनी जितनी वैक्सीन लगती जाएगी उतने उतने हमारा आत्मबल बढ़ता जाएगा, हराएंगे ये तय है। भोपाल पुलिस की अमानवीय तस्वीर सामने आई है। दरअसल भोपाल में रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू था, बावजूद इसके कुछ बच्चे वीआईपी रोड स्थित बड़े तालाब में स्विमिंग कर रहे थे। वहीं जब पुलिस को मामले की सूचना हुई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को अर्धनग्न अवस्था में बाहर निकालकर उनसे उठक बैठक करवाई और सड़क पर उनका जुलूस निकाला। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंदौर में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए आईजी हरि नारायण चारी मिश्र ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर एक्शन प्लान तैयार किया है। अब इस प्लान के मुताबिक अपराधियों को अपराध करने से रोकने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर आईजी कार्यालय में संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में संभाग जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आईजी हरि नारायण चारी मिश्र द्वारा बढ़ते अपराध को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। वहीं संभाग के डीआईजी एसपी लेवल के अधिकारियों से आईजी द्वारा जानकारी भी मांगी गई। आईजी द्वारा अधिकारियों को अपराध से निपटने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जाना है उसको लेकर भी सभी पुलिस के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इंदौर सहित प्रदेश भर में टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। शहर के कई केंद्रों पर टीका लगवाने के लिए लोग सुबह से ही पहुंचने लगे। दोपहर तक कई केंद्रों पर लोगों को टीका लगवाने के लिए कतारें भी दिखाई दी। शुरू हुए टीकाकरण महाअभियान का खासा उत्साह मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी देखने को मिला। सुबह से ही मुस्लिम महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्र पहुंचे और अपनी अपनी बारी आने पर उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया। वहीं महावैक्सीनेशन अभियान में स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश के प्रभारी बनाए गए शिंदे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी तक इलाकों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। दोपहर तक 84 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं, साथ ही 32 लोगों को टोकन भी वितरित किए गए हैं। गौरतलब है कि इंदौर जिले में 230 केंद्रों पर सोमवार को 500 टीके लगाने का भी लक्ष्य रखा गया।
सात बजे से लेके अभी तक अभी कम से कम 150 करीब के अपन ने बुक कर लिए हैं, उसमें 100 के लग गए हैं वैक्सीनेशन, और टोकन सिस्टम से चल रहा है। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तकनीकी के कारण थोड़ा सा देर दुरुस्त हुई है, लेकिन क्षेत्रीय की जनता में ज़बरदस्त उत्साह है, और वैक्सीनेशन लगाने के लिए भी हमने महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है उनके लिए। कोरोना काल में इंदौर में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आए। ठगों ने आम जनता को ऑनलाइन लूटने का गोरख धंधा बना लिया है। ऐसा ही एक मामला इंदौर में रहने वाले भगवती प्रसाद जोशी के साथ हुआ, जिन्हें एक शातिर ने आर्मी मैन बताकर गाड़ी दिलाने के नाम पर 2,09,000 रुपए की ठगी कर ली। दरअसल इंदौर के मालवीय नगर गणेश धाम में रहने वाले भगवती प्रसाद जोशी के साथ एक फर्जी आर्मी अधिकारी बताते हुए एक व्यक्ति ने 2,09,000 रुपए गाड़ी दिलाने के नाम पर ठगी की है। पीड़ित भगवती प्रसाद ने बताया कि एक युवक ने अपने आप को आर्मी अफसर बताकर उन्हें फोन किया और गाड़ी बेचने की बात की। हालांकि इंदौर आईजी ने माना है कि साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यह पूरा नेटवर्क एक संगठित गिरोह चला रहा है और ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जल्द ही इस शातिर चोर को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऑनलाइन ठगी इस प्रकार हुई, भैया के इंदर सिंह नाम था उसका, और बोलता मेरी आल्टो K10 गाड़ी है, कार है, जिसका अमाउंट आपको 80,000 ही पे करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद मेरे से 2,09,000 रुपये वो ले चुके, अभी उनके अकाउंट में चले गया। कैसे संपर्क हुआ था, कौन है ये आदमी? संपर्क तो मेरा फ़ोन पर ही हुआ था, फ़ोन आया था उनका कि सर ये गाड़ी बेचना है मेरे को, और आपको जो सस्ते में मिल जाएगी और गाड़ी अच्छी, और आर्मी का बंदा हूँ, भगवान पर विश्वास करिए, आपको गाड़ी मैं पहुँचा दूँगा। और तीन आदमी ने भी फ़ोन पर बात करी, आर्मी का हॉर्न जो बनता वो भी बजा उनकी गाड़ी पर। और सर बाद में मैंने एक दिन दो दिन रुका, उसके बाद बोला पे करो, तो मैंने फ़ोन पे करा सर, एक बार गूगल पे 11,000 करे, ऐसा 16 डिजिट में मैंने अपने अमाउंट। जावरा के ग्राम लालाखेड़ा में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ग्रामीण धरने पर बैठे। वहीं कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि इस वक्त कई ग्रामीणों के पास आशियाना नहीं रहा है, वो वर्तमान में पंचायत भवन में रहने को मजबूर है और सरकारी अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है, इसलिए हम मुआवजे के लिए पीड़ित परिवारों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं पीड़ित परिवारों ने बताया कि अब तक हमारे पास रहने के घर नहीं है, हम पंचायत भवन में रहकर अपना पालन पोषण कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हम शासन प्रशासन से लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी न्यूज़ चैनल में, और मैं हूं आपके साथ रतलाम जिले से नहरू खान। आज हम बात करेंगे जावरा की, जहां पे प्राइम टीवी ने इस मुद्दे को पहले भी उठाया है लालाखेड़ा में, जहां एक और मानसून ने जैसे ही दस्तक दी। जावरा में अब तक कुल 10 इंच वर्षा दर्ज हो चुकी है। लालाखेड़ा गाँव में कुछ मकान धराशायी हो गए, ठेकेदार एट लाइन की लापरवाही के कारण यहाँ कुछ मकान धराशायी हो गए, जिसको लेकर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जो यहाँ के नेता हैं उन्होंने थाने पहुँचकर शिकायत भी दर्ज कराई है, वो FIR की मांग भी की है। आज वो यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं पीड़ित परिवारों के साथ। आइए हम जानते हैं उनका हाल, किस तरह यहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद हैं और अभी उनके रहने की खाने पीने की क्या क्या व्यवस्थाएं किस किस द्वारा की जा रही है, प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। देखिए, हमें बहुत मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा है। 18 तारीख की घटना है, 18 तारीख की रात को अनुसूचित जाति के लगभग 30 से 35 परिवार ये जो अचानक आपदा आई इससे बर्बाद हुए, और ये प्राकृतिक आपदा नहीं थी बल्कि मानव निर्मित आपदा थी। कुछ लोगों ने जो डाइवर्टेड मार्ग एटलैंड निर्माण कंपनी के द्वारा बनाया था, उन लोगों की लापरवाही के कारण ये पानी गांव में घुसा और 6-7 परिवारों के पास पूरी तरह से उनके मकान नष्ट हो गए, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची, वो ग्राम पंचायत भवन में निवास कर रहे हैं। लगातार प्राइम टीवी इस मुद्दे को उठा रहा है, अब तक खबरें दिखाता आ रहा है, आपने कल एक थाने पर शिकायत भी की थी जिसमें आपने FIR की मांग की है। जी हाँ, हमने कल थाने पर आवेदन के साथ ये कहा था कि अगर कल सुबह 11 बजे तक FIR इन दोषी अधिकारियों और ठेकेदारियों पर नहीं हुई तो हम चक्का जाम करेंगे, साथ ही पीड़ितों के मुआवजे के लिए भी हमने तत्काल मांग की थी। आज जब हम चक्का जाम की तैयारी कर रहे थे सुबह 11 बजे, उसी दौरान तहसीलदार और थाना प्रभारी हमारे बीच पहुंचे और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि अगले 2 दिनों में हम पूरी कार्रवाई करेंगे और पीड़ितों के मुआवजे के लिए जितनी हमने मांग की है उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम 2 दिन के अंदर वो करेंगे। चूंकि मुझे उनके आश्वासन पर पूर्ण भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने निर्णय किया कि जब तक उनके आश्वासन पे वे पूरा खरे नहीं उतरते
मैं यहाँ भूख हड़ताल पर पीड़ित परिवारों के साथ रहूंगा। कोई कांग्रेस का मुद्दा है या फिर एक जनहित का मुद्दा? नहीं, ये कोई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक जनहित का, गरीब अनुसूचित जाति के भाइयों की मदद करने का और किसान भाइयों की मदद करने का एक ऐसा मुद्दा था जिसमें सभी लोगों को शामिल होकर के बढ़ चढ़ कर भाग लेना था। ये जिस तरह इन्होंने बताया यहाँ पे पीड़ित परिवार भी मौजूद हैं, क्या व्यवस्था है आप लोगों के लिए? पंचायत में रहते हैं सर। क्या नाम है आपका पूरा? राकेश तोमर। कितना नुकसान हुआ आपका बारिश से? क्या पूरी हमारा नुकसान हुआ, करीबन घर में 8 क्विंटल 9 क्विंटल गेहूँ बो गया, उसके बाद घर गिर गया। अभी अभी आप लोगों के रहने की व्यवस्था क्या? पंचायत में है, पंचायत में किया है सर। पंचायत में किस तरह रह रहे हैं आप? राशन पानी की व्यवस्था? राशन पानी मिलते हैं, भैया देते हैं थोड़ा बहुत, कोई मतलब आके मतलब दिया है भैया ने, सरकार मतलब सरकार वगैरह कुछ नहीं है, मतलब भैया ने दिया है वो दिखा रहे हैं। सरकार की ओर से कुछ आपको कुछ मिला अभी? कुछ नहीं मिला अभी तक। आपका क्या नाम है? मम्मर पिता शंभू मेरा नाम है। अच्छा, आपको क्या लगता है कितना नुकसान हुआ अभी यहाँ पे? वो 6-7 क्विंटल गेहूँ है, तो वो तो खाली बिंजर का बेच नहीं गया है, और बाकी वो भी पंचायत में पड़ा है, पूरी पंचायत भरी है, और हमारा घर मकान में पूरा भर गया है। वीडियो वाला ने आया है, देखा है, 5-6 वीडियो वाला आया था, सबको फोटो लेके गया है, अभी भी पड़ा है, अभी बैठे हैं धरने यहाँ पे। हम भाई लेके आया था, क्या नाम नहीं है। कितने परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं धरने पे? 25-30 में लगते हैं बैठे हैं अभी भी। अभी व्यवस्था कोई नहीं, रहने की तो घर पे पंचायत में सोते हैं, बाहर ही मच्छर खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, लेडीज अंदर होती है। अधिकारी आपके पास सूद लेने आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। कुछ भी समाचार लेने कुछ कोई नहीं आ रहा है। इस पे जो भी हमसे बनता है उसमें कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, इस तरह तहसीलदार का कहना है। लेकिन यहाँ पे जो आश्वासन दिया गया नेताओं को, उसके बावजूद आश्वासन पे खड़े नहीं उतरे अधिकारी, तो ये अभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं प्राइम टीवी के लिए नाहरू खान, कैमरामैन कीर्ति वर्धा के साथ। मंदसौर के सीतामऊ थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने बीते दिन हुए अंधे कत्ल की गुत्थी महज 12 घंटे में सुलझा दी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। दरअसल मृतका के लड़के ने आरोपी के भांजी के साथ लव मैरिज की थी, जिससे आरोपी आहत था। इसी कारण आरोपी ने अपने दोस्त पप्पू लाल के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दे दिया। घटना से पूर्व आरोपी पप्पू लाल ने मृतका के साथ बलात्कार किया और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं घटना में अन्य आरोपी बाबूलाल की तलाश जारी है। दिनांक 20-21 को सूचना मिली थी कि ग्राम टाटका, जो कि साताखेड़ी चौकी अंतर्गत आता है, इसमें एक महिला का शव उसके घर के बाहर आंगन में पड़ा हुआ है। सूचना पर से तत्काल सीतामऊ थाने के थाना प्रभारी श्री दिनेश प्रजापति, चौकी प्रभारी साताखेड़ी जितेंद्र सिंह एवं उपनिरीक्षक सत्येन सैनी तत्काल मौके पर पहुँचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। हम स्वयं गए एवं चूँकि महिला संबंधी मामला था, गंभीर प्रवृत्ति का था, आरोपी अज्ञात दिख रहे थे और प्रथम दृष्टया। रीवा में 45 दिनों तक कोरोना कर्फ्यू के दौरान विंद व्यापारी महासभा रीवा की टीम ने मानवता की मिसाल पेश की। बता दें कि संस्था ने कोरोना दवा किट, मास्क, सैनिटाइजर व जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न व घरेलू सामान निरंतर लॉकडाउन में सच्ची मानवता की मिसाल पेश करते हुए बांटा था। अब इसी कड़ी में कोरोना की तीसरी लहर को से बचने के लिए विंद व्यापारी महासभा रीवा लोगों को एक बार फिर से वैक्सीनेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। रीवा के सोहागी थाना क्षेत्र के सोहागी पहाड़ पर 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या कर लाश फेंके जाने की आशंका जताई है। वहीं जानकारी देते हुए एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शव का चेहरा छत-विछत है, वहीं मृतक के हाथ पर प्रवीण नाम का टैटू है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।